हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको जीएसटी अमाउंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे जीएसटी अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, आइए देखते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये परसेंटेज दिया गया है, तो 1000 का 10% हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले तो ये जानिए कि एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला इक्वल्स टू से शुरू होता है, और यहाँ पर 1000 को सेलेक्ट किया, इसका सेल एड्रेस आ गया, यानी कि ये B3 में दिया गया है। देखिए, ये बी कॉलम है और 3 रो है, तो ये हो गया B3। मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये 10% जो है ना, ये ऑटोमेटिक यहाँ हो जाएगा। तो ये 100 रुपया, 1000 पर 10% 100 रुपया आएगा जीएसटी, ठीक है। और ड्रैग कर देंगे तो सबका आता चला जाएगा, देखिए एक भी का यहाँ मिस नहीं होगा, यहाँ पर सबका जीएसटी अमाउंट कैलकुलेट हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर ये अमाउंट देने का, ये जो अमाउंट है, इसका फायदा ये है कि यहाँ से अगर अमाउंट आप चेंज करते, जैसे 3000 कर दिया, तो 3000 के अकॉर्डिंग यहाँ पर अमाउंट भी अपने आप चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने ड्रॉपडाउन नहीं बनाया, तो ड्रॉपडाउन के लिए आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और डेटा टैब पे जाएंगे और जल्दी से यहाँ से ड्रॉपडाउन बना देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे लिस्ट कर देंगे और लिस्ट करने के बाद यहाँ पर तो ड्रॉपडाउन बनी जाएगी। पहले 5% कर देते हैं, कॉमा दे करके 10% कर देते हैं, और 10% के बाद यहाँ पर कर देते हैं कॉमा दे करके 18%, और 18% के बाद यहाँ पर फिर कॉमा दीजिए 21%, और कॉमा दीजिए फिर कर दीजिए 28%। तो इस तरीके से बस आपको करना है और ये करके ओके कर देना है। तो यहाँ पर अब ड्रॉप डाउन भी आ गई। अब यहाँ से ये भी चेंज कर सकते हैं, अगर 18% लगता हो तो 540 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना।